हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो बहुत मेजर रूप ले लेती है और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं उसकी वजह से। ये प्रॉब्लम है वीर्य पतले होने की। सीमेन वॉटरी सीमेन हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। जैसे बाप बनने में परेशानी आती है कि बच्चा नहीं हो पा रहा, एक ये वजह होती है। दूसरी वजह तनाव में कमी हो जाती है, नसों में कमज़ोरी आ जाती है, टाइमिंग बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स इसकी होती हैं और ये डिस्कस ये करना है कि ये क्यों होती है प्रॉब्लम, कैसे इसको ठीक करा जा सकता है और इसका कोई टेस्ट है जिसकी वजह से पता चल सके कि प्रॉब्लम किस लेवल तक जा चुकी है। तो एक एक करके चीज़ें डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल है, वेबसाइट है हेल्थ लाइन, ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ इसका लिंक। इसके ऊपर एक ये आर्टिकल आपको पूरा मिल जाएगा जो कि डॉक्टर्स ने वेरीफाई करा आर्टिकल को। तो आइए एक एक करके चीज़ें डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहली चीज़ डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से वीर्य पतला हो जाता है। तो बेसिकली इसके मेन चार रीजंस हैं, चार मेन कारण हैं जिसकी वजह से वीर्य पतला होता है। तो पहला रीज़न है लो स्पर्म काउंट। हमारे सीमन में, हमारे वीर्य में स्पर्म्स होते हैं जिनका एक काउंट होना ज़रूरी होता है, जो हेल्दी स्पर्म जिसको कहा जाता है, अगर हेल्दी सीमन जिसको कहा जाता है, अगर सीमन में स्पर्म काउंट कम हो जाता है तो उसकी वजह से भी वीर्य पतला होना शुरू हो जाता है। पहला कारण ये है। तो वीर्य का पतलापन का पहला कारण है, वीर्य के पतलेपन का पहला कारण है लो स्पर्म का। अच्छा, दूसरा रीज़न इसका क्या है? दूसरा रीज़न है फ्रीक्वेंट इजैक्युलेशन, यानी बार बार वीर्य का निकलना बहुत जल्दी जल्दी। तो अगर किसी को हस मैथुन की आदत हो जाती है तो वो दिन में एक बार, दो बार, या फिर रोज़ एक एक बार, या हफ्ते में कई बार, इस तरह की आदत पड़ जाती है। तो जब बार बार बहुत ही कम टाइम के अंदर बार बार वीर्य निकलेगा तो उसकी वजह से भी वीर्य पतला हो जाता है, क्योंकि तो बॉडी को टाइम चाहिए होता है वीर्य को दोबारा बनाने के लिए। और अगर पूरी तरह से वीर्य नहीं बन पाता है, सही से डेवलप नहीं हो पाता है, तो वीर्य में पतलापन आ जाता है। अगर आप कई बार हंस मैथुन करते हैं तो ये प्रॉब्लम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वीर्य पतला होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। इससे नसें भी डैमेज होती हैं, नसें कमज़ोर होती हैं, वीर्य भी पतला होता है, पेशाब में जलन की भी शिकायत शुरू हो जाती है, नसों में तनाव कम हो जाता है, टाइमिंग कम हो जाती है। तो हंस मैथुन जितना कम हो सके उतना कम करना शुरू कर दें। अगर आदत पड़ चुकी है तो इसका मतलब है कि आपके पेट पे, डाइजेशन पे भी इसका इम्पैक्ट शुरू हो गया है और आपके दिमाग पर भी इसका इम्पैक्ट शुरू हो गया है। हंस मैथुन का इम्पैक्ट दिमाग पर भी होता है, उसमें चिड़चिड़ापन, टेंशन, गुस्सा आना, पेट साफ ना होना, ये सब होता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे रीज़न की। तीसरा रीज़न है इसका जिंक की डेफिशिएंसी। तो बहुत सारे मिनरल्स बॉडी को चाहिए होते हैं, जिनमें से जिंक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। अगर जिंक की बॉडी में कमी होनी शुरू हो जाती है उसकी वजह से भी वीर्य पतला होना शुरू हो जाता है। और जिंक की कमी अक्सर जब उल्टी होती है या लूज मोशन होते हैं उसके अंदर भी जिंक की कमी हो जाती है। इसीलिए कभी भी अगर उल्टी हो या लूज मोशन हो, दस्त हो, उसके बाद में जिंक का सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ध्यान हमें रखना है कि जिंक की कमी बॉडी में ना हो, कभी उल्टी दस्त हो तो जिंक का सप्लीमेंट लें, क्योंकि जिंक की कमी से भी वीर्य पतला होना शुरू हो जाता है। अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा रीज़न है प्री इजैक्युलेशन, या फिर प्री कम, या फिर चिपचिपा पानी आना। तो अक्सर ये देखा गया है कि लिंग में तनाव आना शुरू हुआ तो एकदम से चिपचिपा पानी आना शुरू हो गया। जब हम बहुत ज़्यादा बार हंस मैथुन करना शुरू कर देते हैं उसकी वजह से भी ये पानी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये पानी बनता है प्रोस्टेट से। तो ये प्रोस्टेट लिक्विड होता है, अगर प्रोस्टेट पर सूजन है, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो गया है, उस वजह से भी ये बार बार पानी आना शुरू हो जाएगा। तो वैसे तो इसे आना चाहिए जब अच्छा तनाव आ गया है, तो उसके बाद भी एक आध बूंद आ गया कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है कि हम बैठे हैं, ज़रा सा भी किसी चीज़ के बारे में सोचा, या किसी लड़की से फ़ोन पर बात करी, या ज़रा सा भी तनाव आया तो बहुत ज़्यादा पानी आने लगा,
और अक्सर पानी आने के बाद में तनाव भी कम हो जाता है, ये तनाव बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसमें इसको धात रोग भी कहते हैं, इसको चिपचिपा पानी की परेशानी भी कहते हैं, तो कई नामों से जाना जाता है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है जो कि प्रोस्टेट से भी जुड़ी होती है, इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। इसको मसाने की गर्मी भी कहते हैं, मसाने में गर्मी हो गई है, प्रोस्टेट में प्रॉब्लम हो गई है, प्रोस्टेट पर सूजन है, इन्फेक्शन है, इसको ठीक करना ज़रूरी है। इसके बाद ही फिर अगला इलाज अच्छे से हो पाता है। तो ये चार बेसिक रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं, इसको ध्यान से देख लें, समझ लें, और इसके बाद में फिर इलाज शुरू होता है। अच्छा, अक्सर इस चीज़ पे भी आप ध्यान देना कि जो वीडियो का कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। एक हेल्दी वीडियो का कलर वाइटिश ग्रे होता है, या वाइट और हल्का सा ग्रेश वीर्य अगर पीलेपन या ब्राउनिश कलर की तरफ जा रहा है तो उसका मतलब है कि वो हेल्दी नहीं है। अच्छा, पहले बात करते हैं कि अगर वो ब्राउन या हल्का सा रेड है, इसका मतलब है कि प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ब्लड भी आ रहा है और अब इस इन्फेक्शन का इलाज होना ज़रूरी है। अगर ब्राउनिश रेड की तरफ है, यहाँ तक अगर वीडियो का कलर येलोइश ग्रीन है, तब भी इसका यह मतलब है कि प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है, तो इसका भी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होना पहले ज़रूरी है। और तीसरा जो बहुत ही कॉमन देखा गया है वो है येलो कलर होना वीर्य का। तो वीर्य का अगर येलो कलर है, इसका ये इंडिकेशन है कि वीर्य के अंदर थोड़ा बहुत यूरिन आ रहा है, या थोड़ा बहुत यूरिन मिक्स है उसके अंदर, ये उसका मतलब है। तो ऐसे में ये हेल्दी मतलब कैटेगरी में फॉल नहीं करता, लेकिन ये ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ भी नहीं है। येलो कलर अगर वीर्य का है तो कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, लेकिन हाँ हेल्दी वाली कैटेगरी में नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि वीर्य को बार बार नहीं निकलने देना है, प्रोस्टेट के ऊपर असर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हस्तमैथुन ज़्यादा करेंगे तो प्रोस्टेट पर असर आएगा, स्वेलिंग आ सकती है, इन्फेक्शन के चांसेस हैं, इसलिए कम से कम बॉडी से वीर्य को बाहर जाने देना है, बार बार हस्तमैथुन नहीं करना, ख़ास तौर से ध्यान देना। इसके अलावा गर्म चीज़ों से थोड़ा बचकर रहना है, मांस मछली अंडा काजू बादाम ये ड्राई फ्रूट्स ये नहीं लेने। अगर आपका वीर्य पतला है, अगर आपका वीर्य येलो है या वाइटिश ग्रे के अलावा किसी भी कलर में आ रहा है, इसका मतलब अभी हेल्दी वीर्य नहीं है, आपको अभी गर्म चीज़ों का परहेज़ करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पहले भी वीडियोस में बताई है कि पेट को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसी चीज़ जो पेट गड़बड़ करे, डाइजेशन में प्रॉब्लम करे, पेट साफ़ नहीं हो पा रहा है, दवा कोई भी आप लेंगे सही से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब वो डाइजेस्ट सही नहीं हो रही है तो बॉडी को भी सही से फ़ायदा नहीं दे पाएगी। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है, इसबगोल बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पेट साफ़ करने के लिए फ़ाइबर का होना बहुत ज़रूरी है। इसबगोल फाइबर रिच कंटेंट है, इसबगोल को रात को ले सकते हैं, गर्म पानी से आप ले लें या गर्म दूध से ले लें, सुबह को पेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ध्यान ये देना है कि इसबगोल से की आदत पड़ जाती है, तो इसलिए कुछ दिन लेकर फिर गैप दे दें, पेट साफ़ हो जाए और आदत भी ना पड़े। फाइबर रिच डाइट लेनी है जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, एप्पल बहुत अच्छा एक ऑप्शन है फाइबर के लिए, आप सुबह उठते ही सबसे पहले उसको अपनी डाइट में रखना शुरू कर सकते हैं। सेब, और सेब का मुरब्बा भी बहुत अच्छा है, जिन लोगों को डर लगता है, घबराहट है, क्योंकि अक्सर ये चीज़ देखी गई है जिनको धात की या चिपचिपा पानी की या पतले वीर्य की शिकायत है, उनको डर भी लगता है, उनको घबराहट भी होती है, उनको टेंशन रहती है, किसी नए इंसान से बात करते हुए हिचकिचाहट होती है, तो उन लोगों के लिए भी दिल और दिमाग को मजबूत करने के लिए सेब का मुरब्बा बहुत अच्छा है। मतलब बहुत बड़े बड़े हकीमों ने भी इस चीज़ को आजमाया है और बताया है, और बहुत पहले से ये यूज़ होता आ रहा है हमारी डाइट में, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो पेट को साफ़ रखना ज़रूरी है ताकि दवा अच्छे से काम करे। गर्म चीज़ों से बच कर रहना है बिल्कुल, अभी डाइट में नॉन वेज ऐड नहीं करना है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं बिल्कुल हटा दें उसको। बाकी दुनिया में बहुत चीज़ें हैं खाने को, सब्ज़ी के अंदर इतने सारे ऑप्शंस हैं, दाल हैं, सोयाबीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सिर्फ नॉनवेज को हटाएं, बाकी सब चलने दें, कोई मुश्किल नहीं है। ज़्यादा मिर्च मसाला तेल थोड़ा सा उसको अवॉइड करें, जो आप नॉर्मल घर में खाते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत हो चुकी है। अगर आप अचानक से बाहर जाकर कुछ नया खाते हैं वो आपकी बॉडी के कंपैटिबल नहीं है, तेज़ मिर्च या ज़्यादा तेल वाली चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें, पेट को लाइट खाना दें,
ताकि वो अच्छे से काम कर सके। और आप जो भी अच्छी चीज़ें खाते हैं, फ्रूट्स आप खाएंगे तो डाइजेशन अच्छे से होगा और उसका न्यूट्रिशन पूरी बॉडी को मिलेगा। थोड़ा सा परहेज़ ये करना है। इसके अलावा आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, उसमें टेस्ट होते हैं सीमेन के, जिसके अंदर स्पर्म काउंट चेक करा जाता है और मोर्टेलिटी चेक करी जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं और उससे थोड़ा सा ये पता चल जाता है कि अभी जो आपका स्पर्म का लेवल है, जो आपके वीर्य की कंडीशन है, वो किस लेवल पर है, कितनी ज़्यादा ख़राब है या ख़राब होनी शुरू हुई है अभी, या अभी किस लेवल पर है, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स शुरू करते हैं, तो ये ट्रीटमेंट जो एलोपैथी में है वो डॉक्टर को आप कंसल्ट करेंगे, वो बताएंगे आपको। आयुर्वेद में आ जाते हैं तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जिनको आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपका वीर्य गाढ़ा होना शुरू होगा। और कई सारी इसकी रेडीमेड दवाएं भी हैं, मैंने एक पहले भी बताई थी, ये आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, अब सीमेन फोर्ट के नाम से है ये, बनी इस चीज़ के लिए है कि अगर वीर्य पतला है, वीर्य में किसी भी तरह की कमी है, स्पर्म काउंट कम है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं और तनाव सही नहीं है, टाइमिंग कम है और नसें कमज़ोर हैं, तो ये सब वीर्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि पूरी बॉडी में कमज़ोरी रहती है, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, थकान, कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा, दिमाग में टेंशन, अगर वीर्य गड़बड़ है तो आपका दिमाग भी हेल्दी नहीं रहेगा, उस पर भी फर्क आता है। तो एक हेल्दी मैन यानी एक तंदुरुस्त आदमी की जो कंडीशन है वो उसके वीर्य से जुड़ी रहती है। अगर वीर्य की कंडीशन अच्छी है, उसका सेक्सुअल सिस्टम अच्छा है, तो वो दिमाग भी उसका बहुत ही हेल्दी रहेगा। अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं तो वो मेंटली डिस्टर्ब रहता ही रहता है, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा विचार करना, बार बार एक ही बात को सोचते रहना और चिड़चिड़ापन रहना, जैसे पहले मैंने बताया, अक्सर नींद में भी परेशानी रहती है, तो ये सारी चीज़ें वीर्य से जुड़ी रहती हैं। वीर्य अच्छा रखिए, पूरी बॉडी अच्छी रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैंने ये भी बता दिया आपको, इसका ये सीमेन फोर्ट का रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखा गया है, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है। आधा आधा चम्मच लिया है लोगों ने इसको, सुबह शाम लिया जाता है आधा आधा चम्मच दूध के साथ या पानी के साथ। परहेज़ वही है जो पहले बताया था आपको, गर्म चीज़ों का, मांस, मछली, अंडा, काजू, बादाम और एल्कोहल, सिगरेट, इन चीज़ों का परहेज़ है। और बाकी आपको अपना पेट सही रखना है, बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा सा इनका ध्यान रखेंगे, बहुत जल्दी आप अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे, शरीर में ताकत महसूस करेंगे, दिमाग बहुत रिलैक्स रहेगा आपका, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, फिर वो घबराहट दिल में से, दिमाग में से डर, वो सब भी धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। और फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो आप कमेंट में ज़रूर डालें, क्योंकि जब तक डिस्कस नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ आपको सही से क्लियर नहीं हो पाएगी। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हर इंसान के साथ अलग अलग स्टेज के ऊपर लाइफ के, अलग अलग उम्र में वो परेशानियाँ आती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो एक इंसान को परेशानी है दूसरे को भी सेम उसी तरह की होगी, उसमें फ़र्क हो सकता है। तो ये चीज़ें जब डिस्कस होती हैं, स्क्रीन पर नंबर है, आप कर सकते हैं डिस्कस, कॉल कर सकते हैं, तभी ये चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा कि आपकी परेशानी अभी किस लेवल पर है और क्या करा जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर चिपचिपे पानी की भी परेशानी है तो पहले उसका इलाज होगा, उसके बाद में फिर वीर्य गाढ़ा करने की दवा चलनी चाहिए, तरीका ये है। बाकी सब अपनी तरह से इलाज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट भी कर सकते हैं या अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई है उसको लाइक करें, जो भी आपके दोस्त हैं, जो आपका ग्रुप है, उसमें शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले, वो भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा जानें और अपनी लाइफ को थोड़ा और हेल्दी बनाएं और बेटर बनाएं। जो लोग नए हैं, हाँ जो लोग नए हैं इस चैनल पर, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें, आप अपने शरीर को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर और ज़्यादा कॉन्शियस रहें और ज़्यादा फोकस रहें और आगे आने वाले टाइम में कोई परेशानियाँ फेस ना करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, थैंक यू।